ओ भाई साहब, देख रहे हैं आप, फर्स्ट फॉल भाई, खतरनाक वाला वो भी। ओ भाई साहब, क्या ही बोलूं मैं। ये भाई ना अपने को ऊपर मिले थे और भाई मेरे से पहले नीचे पहुंच गए। मैं बाइक पे हूँ, ये पैदल है भाई। क्या बात है यार भैया, शॉर्टकट है। अच्छा अच्छा, अभी कहाँ जा रहे? खिलाड़, वो कहाँ है खिलाड़? कितनी दूर है यहाँ से? 20 किलोमीटर, गांव पंचायत लुंज। अब ये जो पुल क्रॉस किया ना मैंने, यहाँ से हिमाचल शुरू हो जाता है। और ये है भोले बाबा जी का मंदिर। जय भोलेनाथ सबके साथ। कौन पूछता है पिंजरे में बंद पक्षी को गालिब? याद वही रखे जाते हैं जो कुछ अलग कर जाते हैं। Hello boys and girls, what's up? It's me Shitrana and welcome back with another episode of World Most Dangerous Road, Kelad Kishtwad. तो लास्ट वीडियो में आपने देखा, मैं बिल्कुल हाइट पे आ चुका था और यहाँ से स्टीप उतराई उतरूंगा। पीछे वो देख रहे हैं आप, zigzag गाटा लूप की तरह, सेम लद्दाख में जैसे आपको मिलती है, या आप कैलाश मानसरोवर वाले रोड पे जाओ ना, तो उस रोड पे भी आपको देखने को मिलती है ऐसे सेम लूप चढ़ाई को एकदम काट 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 के। और वो से हमने, और इतनी हाइट पे ना एक गाँव था, और मैं हूँ यहाँ पे अभी, और आई थिंक यहाँ से कैलाड़ होगा। तो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत, चलो फिर चलते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं अगर आपने, डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हो तो लास्ट वीडियो को भी चेकआउट कर लेना भाई एक बार, मज़ा आएगा आपको। और मज़ा आए तो लाइक किए बिना वीडियोस को मत जाना, और शेयर भी ज़रूर कर देना जो भी एडवेंचर लवर हो उनके साथ, और जो भी बाइक राइडिंग पसंद करते हैं ना, अपने भाई बंधु मोटर व्लॉगिंग पसंद करते हैं उनके साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ऊपर देख रहे हैं ये सारी जो पीक्स है ना, सच पास वाली हैं, और ऊपर अच्छी खासी स्नो गिरी पड़ी है। कल भी वेदर बिगड़ गया था एकदम से। ये देख रहे हैं, आय हाय हाय, ये जो पानी वाला श्लश है ना भाई, इसके तो क्या ही कहने। और आई थिंक वहाँ पे चेक पोस्ट भी है। और भाई वो क्लिफ हैंगर, रुको वो भी दिखा ही देता हूँ आपको, दोनों उड़ाए जाए के भाई साहब। पहले वाला रोड वो था, वो देख रहे हैं आप, वो और यहाँ 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 ये लूप्स, और यहाँ मिलता था रोड आगे। भाई साहब ये रोड था, अमेजिंग ब्रो। भाई साहब पहली HP की गाड़ी देखी है यहाँ पे। ओ भाई साहब, तो ये है अपनी सिनारा, और अभी हैं हम वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड क्लिफ हैंगर किलाड़ किश्तवाड़। वो देख पा रहे हैं भाई साहब, क्या ही तबाही है। ये वाला रोड, ये वाला उधर से बंद कर दिया बिल्कुल ये ना। अच्छा गाड़ी नहीं आती है कोई भी इधर से ना। अच्छा अच्छा, वो टूट ही गया रोड यार बीच में से है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे दिख तो रहा है रोड, तो ये JCB गई है जैसे कुछ, ये बनाया तो है रोड देखो। ये JCB भी है, शहर के अंदर काम करने के लिए जियो वाले नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बोल रहे हैं तो पता नहीं, उधर तो बंद है अभी भी, आगे भी कोई गाड़ी खड़ी नहीं है। उधर से टूट गया उस मोड़ से है ना, ऊपर से आ गए ना। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब खतरनाक था। एक ऐसा ही रोड था ये भी, इतना चौड़ा, इतना ही था है ना। अब किलाड़ कितना बचा यहाँ से? अच्छा गुलाबगढ़ जितना है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बॉर्डर है अभी, ये बॉर्डर है हिमाचल और J&K का बॉर्डर, कहाँ से लगता है? नाला है वहाँ, फिर ब्रिज मिलेगा, ब्रिज मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्रॉस करके फिर पूरी पहाड़ी है वहाँ से। अच्छा अपना कोई रोड तो नहीं, अगर आगे जाके रोड तो नहीं कोई? नहीं नहीं, यही रोड जाएगा, एक ही यही रोड जाएगा। आगे है ना थोड़ा वो गंदारी के लिए
इधर से कम से कम 3 किलोमीटर। अच्छा, ऊपर से नहीं जाना, नीचे से जाना। नीचे को जाना है, अपने हाथ रहना मतलब इस साइड सज्जे हाथ। तो चलो भाइयों, फाइनली हमने जो क्लिफ हैंगर था ना वो भी देख लिया, वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड का, और चलते हैं अभी केलाड़ की ओर। ये चेक पोस्ट है जैसा भैया ने बताया, और यहाँ से आगे ही वो कटेगा। सही है, पूरा काम चल रखा है यहाँ पे। तो ये छोटा सा गांव था बीच में चढ़ाई चढ़ने के बाद, और यहाँ पे ना स्टे के ऑप्शन भी हैं जैसे भैया बता रहे थे अभी, कि यहाँ पे रुकने का भी है। और ये सारा का सारा J&K के अंडर है। यहाँ पे एक ब्रिज आएगा, उसके बाद हिमाचल शुरू होगा। थोड़े लोग ना यहाँ के सुस्त जैसे हैं। चलो फिर बढ़ते हैं आगे फटाफट से। कुछ अच्छे हैं, अपना अपना नेचर रहता है सबका, किसी को आप कुछ नहीं बोल सकते। JK फूड्स ये देख रहे हैं एकदम, उसके बाद ना स्टीप उतराई चल रही है। बट ये वाला रोड थोड़ा सही है पहले वाले से, क्योंकि पहले वाला जो रोड था ना उसमें मिट्टी ही मिट्टी थी। बट जहाँ पे ये थोड़े थोड़े पत्थर रहते हैं ना ये वाले, तो वहाँ पे आपको ग्रिपिंग में ना बाइक को ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, बस आपको हैंडल पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है, क्योंकि एकदम से नाचता है ना हैंडल इनके ऊपर जब टायर जाता है। बस बिल्कुल आराम आराम से देख रहे हैं आप इस साइड से। ओ भाई साहब, ये देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या ही जबरदस्त है भाई। और इसी में से गुजरना है अपन को। ये सामने देख रहे हैं क्या सही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और यहीं से गुजरूंगा मैं। सही है ना एकदम से, थोड़ा ना फोकस ज्यादा। आय हाय 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 हाय, फोकस थोड़ा ज्यादा रखना पड़ रहा है रोड के ऊपर। अरे भैया जी, ओह, अपनी साइड ही लेके चलना पड़ेगा भाई, नीचे गया ना कहीं जंगल में तो उठाएगा भी नहीं कोई। ओ भाई साहब, मन तो ऐसा कर रहा है कि पूरा शूट करूं इसको, क्योंकि वी आर एट अ वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड के लार्ड किश्तवाड़ क्लिफ हैंगर रोड। भाई साहब रोड देख रहे हैं, ओ भाई साहब मेरे शक्ल के ना 12 बजे पड़े। एकदम नैरो रोड है और उतराई है ऊपर से, क्या बोलूँ मैं। ओ भाई एकदम भाई साहब स्ट्रीप है, सेकंड गियर में गाड़ी है अपनी, और बिल्कुल आराम आराम से उतार रहा हूँ। और यहाँ पर ये पाइप भी बिछड़ी है, आई थिंक ये जियो की है जैसा भैया बता रहे थे। ओ भाई साहब देख रहे हैं आप, और आगे JCB खड़ी है। ओ भाई साहब देख रहे हैं आप, फर्स्ट फॉल भाई, खतरनाक वाला वो भी। गाड़ी आ गई है, शुक्र है भाई साहब। ऐसे में ना अकेले क्या ही, मैंने लगी नहीं, यहाँ फंस गई थी, इसके टायर फंस गया था इधर, हाँ गिट्टे में उठानी है अकेले से, तो क्या ही उठाई जाती मेरे से।
भाई साहब रोड देख रहे हैं यहाँ पे क्या ही खड्डे डाल रखे थे भाई। ओ भाई साहब क्या ही बोलूँ मैं। एक्चुअली यहाँ मैंने एकदम से टायर घूमा ना, पूरा मिट्टी थी और मिट्टी में फंस गया अगला टायर। ओ भाई साहब गाड़ी आ गई, किस्मत अच्छी थी नहीं तो फंस जाता मैं यहाँ पे। चलो थैंक गॉड जो भी था जैसा भी था अंत भला सब भला। फाइनली दोस्तों ना इस राइड का फर्स्ट फॉल हुआ मेरा। और भाई साहब भाई जी जो क्रेन वाले भैया आए ना वो बोलते यार मैं अभी करके गया था, हटाना ही था ये मलबा सारा। भाई आपने तो हटाना था, इधर तो अपनी बाड़ लग गई। एक्चुअली क्या हुआ जैसे ही टायर मिट्टी में गया ना फंस गया वो वहीं पे। और एक्चुअली कैमरा उस टाइम बंद था, नहीं तो पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं अच्छे से उसको। और तभी सामने से गाड़ी आ गई, किस्मत अपनी सही रही। तो लेते हैं भोले बाबा का नाम और करते हैं राइड को स्टार्ट। जय शंकर की। छोटे छोटे फॉल चलते रहते हैं, देख रहे हैं आप भाई साहब बंदा क्या ही करेगा ऐसी कैंचियों के ऊपर। तो जो एक फ्लो होता है ना वो फ्लो टूट जाता है, बाकी कुछ नहीं है। जो फ्लो बना था ना मेरा एक, भाई साहब रोड की कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं। अभी भी आई थिंक 15-20 किलोमीटर है यहाँ से किलाड़। एक्चुअली बाइक का टायर वहाँ फंस गया, अगर ऐसा भी होता ना जैसे उबड़ खाबड़ है तो बाइक का टायर फंसता नहीं है, निकल जाती है बाइक। एक फ्लो में जब निकल जाए तो निकल जाए, फंस जाए तो फंस जाए, बट राइडिंग का यही रहता है कि लगती नहीं है। तभी कहते हैं ऑलवेज वेयर योर प्रॉपर राइडिंग गियर। इतनी ज़ोर से तो फॉल हुआ नहीं, फॉल तो बिल्कुल आराम से ही था। चलती बाइक से गिर जाए ना तब दिक्कत ज़्यादा होती है। आराम से भाई भाई मैं फोकस कर लेता हूँ रोड के ऊपर, बातें बाद में, क्योंकि रोड ऐसा है ना इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और नीचे को खाई। इस साइड चल के दोनों साइड, इस साइड भी खाई कर रखी है उन्होंने और दूसरी साइड भी। बंदा जाए तो जाए कहाँ भाई। जय शंकर की, जय शंकर की। रोड तो भाई ऐसा ही है, क्या करें अब। पर जहाँ से हल्की सी भी जेसीबी लग जाती है ना वहाँ ऐसा होता है कि आराम से देखो बाइक निकल जाती है। बाइक ऐसी नाच रही है ना इन पत्थरों के ऊपर। इसके आगे तो कैलाश मानसरोवर वाली ऑफ रोडिंग करी थी ना, वो भी क्या ही है, ये ज़्यादा एक्सट्रीम है भाई। कि रोड थोड़ी चौड़ी हो ना बंदा फिर भी एडजस्ट कर लेता है, बट इतनी नैरो रोड ऊपर से स्ट्रीप उतराई भाई साहब बंदा क्या ही कर पाए। बट भगवान का धन्यवाद तो बनता है यार, क्योंकि जैसे ही मेरी बाइक फॉल की ना वहाँ पे तो उसी टाइम गाड़ी आ गई, क्योंकि मैंने एक अटेम्प्ट की थी अकेले उठाने की, बट लग गया था पता अकेले तो उठने वाली है नहीं भाई। उस साइड जाने को तो डर लग रहा है भाई, एकदम से कट मार के मैं इस साइड को आ गया। अभी तो हम हिमाचल के बॉर्डर में पहुँचे भी नहीं है भाई, और रोड देख लो आप। और भाई साहब पूरा ना एकदम स्ट्रीप उतराई है भाई, आपको पता नहीं कैमरे में वो चीज़ आप पता लग रही है कि नहीं लग रही है, बट एकदम से प्यार से करके मोड़नी पड़ रही है गाड़ी मोड़ के ऊपर, देख रहे हैं आप।
भाई साहब एक बार में तो कटाई हो ही नहीं रही है। इतने खतरनाक है ना राउंड ये कि बिल्कुल आराम से उतारनी पड़ रही है गाड़ी। फर्स्ट गियर में तो हुई मैं, गियर से ऐसा है कि गाड़ी अनबैलेंस नहीं होती, बाकी तो चलो ठीक है जो भी। ओए होए नीचे देख रहे हैं आप, ओए हो एकदम राउंड भाई। आज तो अपनी सिनोरा भी बोल रही होगी कहाँ फंस ली भाई। देख रहे हैं आप, तौबा आगे देख रहे हैं आप भाई साहब, मोड़ है कि बिल्कुल सी है। एक्चुअली यहीं से मेरे को थोड़ा एक कर्व बना के निकलना पड़ेगा पहले ही। देख रहे कितने प्यार से, एक तो बाइक जिसका आगे से थोड़ा बड़ा टायर रहता है ना भाई साहब, उसकी कटाई के लिए भी आपको थोड़ी बड़ा सा रेडियस बनाना पड़ता है, क्योंकि एक छोटे रेडियस में तो काम बनेगा ही नहीं। और ये सारी आई थिंक कैंचियाँ हैं, कैंचियाँ, और मैं रो दिखा रहा हूँ यार आप सबको, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो बट उस चीज़ को माइंड मत करना और अप्रिशिएट करना भाई इस एफर्ट को भाई के। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी बट यार अप्रिशिएट करना उस चीज़ को। देख रहे आप भाई साहब, मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा, मुड़ गई। उस साइड तो जाने को भी डर लग रहा भाई, उस साइड तो है ही खाई। चलो जैसे भी है राम राम से उतराएंगे। एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत एक्सफॉल्स की है कि ये भी है कि जो पिछली ब्रेक है ना भाई वो डिस्क है बट एवीज नहीं है उसमें। अगर उसको थोड़ा ज़ोर से दबा दिए, दब जाए ना वो गलती से, अगर थोड़ी ज़ोर से दब जाए अगर गलती से ब्रेक, तो पिछला टायर एकदम से जाम हो जाता है, वो भी एक प्रॉब्लम है। देख रहे हैं आप भाई साहब एकदम से, जय माता दी जय माता दी जय माता दी। हाय हाय हाय, ये भाई शॉर्टकट आया आई थिंक ये मुझसे पहले पहुंच गए रे भाई। ये भाई ना अपने को ऊपर मिले थे और भाई मेरे से पहले नीचे पहुंच गए, मैं बाइक पे हूँ ये पैदल है भाई, क्या बात है यार भैया शॉर्टकट आए। अच्छा अच्छा अभी कहाँ जा रहे, किलाड़ वो कहाँ है, किलाड़ कितनी दूर है यहाँ से, कितनी दूर है किलाड़, 20 किलोमीटर। अच्छा और यहाँ से आगे रोड कैसा, अब ठीक है रोड कैसा ही है, बाकी सारा ठीक है। थैंक यू भैया, ओके अच्छा लगा मिलसे यार, ओके भैया। तो ये भाई ना यार ऊपर मिले थे अपने को और मेरे से पहले नीचे पहुंच गए, अच्छा लगा यार इनसे मिल के।
एक तो कैंचियां बहुत बड़ी बड़ी हैं ना, भाई जब गिरा ना मैं उसके बाद से ना मन थोड़ा डर सा गया भाई, जब देखा ना बाइक नहीं उठाई गई मेरे से यार, भाई इतना लगेज के साथ बाइक को उठाना अकेले, बस यही रहता है सोलो में भाई। और ये है भोले बाबा जी का मंदिर, जय भोलेनाथ सबके साथ। गांव पंचायत लुंज। अब ये जो पुल क्रॉस किया ना मैंने, यहाँ से हिमाचल शुरू हो जाता है और अपन है अब हिमाचल में। थोड़ा अपने वाली फीलिंग आ जाती भाई हिमाचल में पहुँच के ना, और थोड़ा अब रोड भी ठीक हुआ भाई। जो ऊपर गांव था ना तैयारी करके, वहाँ से यहाँ तक पहुँचने को तो मेरे को आई थिंक 1 घंटा लग गया होगा इस छोटे से पैचों को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि भाई जो एक्सट्रीम लेवल की ये रोड थी ना, क्या ही बोलूँ मैं। चलो हल्का फुल्का तो चाहिए रहता है ना, मज़ा भी तभी आएगा यार, ऐसे क्या मज़ा आएगा। ओए मंकी बादशाह बाय। बंदे ना यहाँ के एक्चुअली जो गाड़ी वगैरह आती है ना उसको देख के एकदम से सन हो जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन भाई काम में लगे रहना दिमाग तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है बंदे का, पूरा काम चल रखा है इस साइड से तो रोड का यार तगड़े वाला। अब ना थोड़ी रोड सही आ गई है हिमाचल में एंट्री करने के बाद, रोड सही है भाई। उधर से भी काम चल रखा है जे एंड के वाली तरफ से भी, तो आई होप वो भी सही हो जाएगी बहुत जल्द, बट वो एडवेंचर ना ख़त्म हो जाता है फिर, आप ये वाली चीज़ कहाँ फील कर पाओगे, ये ऑफ रोडिंग बाइक फॉल कहाँ आप वो मज़े ले पाओगे। ऐसे रोडों पे आने से पहले 10 बार सोचना, जब ये रोड पक्का हो जाएगा तो आप तो एकदम से बाइक उठाओगे और आ जाओगे, तो वो चीज़ें रहती हैं हमेशा ही। और वो देखो आगे अब गांव दिखना भी शुरू हो गए फाइनली, वो देखो सामने। ये भी देख रहे होने भाई, ये सन की अकेला ही चला है, बट भाई अपनी एक्सपल्स ने ना पूरा साथ दिया है, एक बात तो माननी पड़ेगी, ऐसे नहीं से ऑफ रोडिंग किंग बोला जाता है। एक्सपल्स लवर नीचे कमेंट सेक्शन में एक्सपल्स के लिए लव दिखा देना भाई, और हीरो भी अगर देख रहा है ना इस वीडियो को तो भाई शेयर करो इस वीडियो को ताकि हीरो भी देख सके, अगर वो क्वालिटी में थोड़ा और इम्प्रूव कर देना इसकी, चाहे हल्का सा रेट भी बढ़ जाए बट क्वालिटी और मैं थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए इंजन वगैरह या क्वालिटी में, तो भाई ये बाइक ना इस बाइक को ऑफ रोडिंग में और ऑन रोडिंग में बीट करवाना मैं बोलता अभी भी किसी के बस का बहुत कम है। हिमालयन है, हिमालयन की कॉस्ट देखी जाए उसका वेट देखा जाए उसके कंपैरिजन तो ये बाइक भाई बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है ना। जो सीट है सीट की कुशनिंग है वो इम्प्रूव कर दी जाए थोड़ी सी,
तो बहुत कुछ चेंज करके ना भाई इसमें। वो देखो बोर्ड और रोड काफ़ी अच्छी आ चुकी है भाई। हाय हाय हाय, फीलिंग ही लग आ रही है। पता नहीं किस साइड को जाऊंगा अभी तो मैं, और नहीं तो मैं उस साइड से आता साच पास से। भाई जहाँ चेक पोस्ट है भाई, लो भैया ये आरसी आगे पीछे दोनों ही। यहाँ पे चेक पोस्ट थी हिमाचल पुलिस की, उन्होंने एंट्री वगैरह की और अब अपन है हिमाचल में। अब अपन को डरने की जरूरत नहीं, वाओ डरने की जरूरत तो कहीं भी नहीं होती यार, बट ऐसे ही थोड़ा वो रहता है ना मन में। तो यहाँ से केलाड़ बचा है 11 किलोमीटर। भाई साहब कुछ थोड़ी सी अच्छी भाई केलाड़ के लिए यही है ना केलाड़। भाई कुछ अच्छी रोड आने के बाद ना थोड़ी सी खुशी मिली थी, बट वो खुशी ज़्यादा देर नहीं बची भाई। देख रहे हैं आप, ओ भाई वो थोड़ी देर की खुशी थी। ये देख लो आप रोड को, तो वाही है भाई। जय भोले शंकर। आए ये वाला पॉइंट भी कम नहीं खतरनाक था, मैंने सोचा दिखा देता हूँ भाई आपको। आए हाय हाय, बट ऑलमोस्ट रोड जो है ना वो ठीक है। ओह हो, फिर अच्छी रोड आ गई। जय माता दी, जय माता दी। चलो जय माता दी, फाइनली दोस्तों फिर से अच्छी रोड आ चुकी है और थोड़ा हौसला बढ़ गया है। एक तो अब तो ऑफ रोडिंग कर करके ना, पहले मन नहीं था कुछ खाने का और अब भूख भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों से लग पड़ी है। अब तो मन कर रहा है कुछ खा लिया जाए तभी चला जाए आगे। चलो फिर, ओए हो वाह। देख रहे हैं आप साच पास है यहाँ से 40 किलोमीटर और ये वाली रोड है साच पास की। सही है भाई, मतलब सही गैस किया था ना अपन ने। और ये ऊपर चल जाएंगे हम केलाड़ की ओर। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे से ना गलती से जब मैंने बैटरी चेंज करी ना, क्विक कैप्चर जो है ना वो बंद हो गया था, तो मैं तब से देखी जा रहा ये हो ही नहीं रहा भाई, वीडियो नहीं चल रही। तो अब ध्यान आया कि मैंने शायद क्विक कैप्चर ना बंद कर दिया होगा। तो चलो फिर जय माता दी, विंडशटर भी चढ़ा लिया अपना और इधर का नज़ारा देख लो आप भाई पीक्स का। के लिए ना चैलेंज तैयार करने चाहिए, हमेशा खुद को चैलेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि यही आपको पुश देता है लाइफ में आगे बढ़ने का। तो चैलेंज को एक्सेप्ट करो और सब भाइयों का प्यार और सपोर्ट तो साथ में था ही जिसने मुझे पुश किया। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। वाह भाई, ही देख रहे हैं आप टॉप पे कैसे क्रॉस करते हैं भाई साच पास को। भाई लोगों यहाँ से है अटल टनल 155 किलोमीटर।